अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। लास्ट वीडियो में हमने अपनी जो न्यूज़पेपर ऐप है उसको कंप्लीट कर लिया था। उसकी डेवलपमेंट वगैरह हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था और उस सीरीज़ को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये एक सेपरेट सीरीज़ होने वाली होगी। बेसिकली वो सीरीज़ हम उसकी वीडियोस रिलीज होती रहेंगी और उसकी जो शेड्यूल है वो चलता रहेगा। ये एक शॉर्ट सीरीज़ है जो उस पर बेस है। बेसिकली ये ऐप उस प्रीवियस सीरीज का फाइनल जो कंप्लीटेड वर्जन है वो है। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इस वेब ऐप से हम एक मोबाइल ऐप बनाएंगे। स्पेसिफिकली हम एक एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे, क्योंकि आईओएस ऐप जो आईफोन की ऐप है उसको बनाने के लिए आपके पास एप्पल डेवलपर का अकाउंट होना चाहिए, जो कि अभी मेरे पास अब हम इस कोड को यूज करते हुए, इस वेब ऐप को यूज करते हुए, क्योंकि हमने ये रिएक्ट जेएस और कैपेसिटर जेएस को यूज करते हुए बनाई थी, अब हम इसको यूज करते हुए एक एंड्रॉयड ऐप बनाए थे। आईओएस ऐप भी हम इससे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एप्पल डेवलपर अकाउंट होना चाहिए, जो कि सबके पास नहीं होगा। इस वजह से मैं उसको स्किप कर दूंगा। अगर उसकी रिक्वेस्ट की जाएगी तो वो भी बना देंगे। इस सीरीज में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैपेसिटर जेएस को यूज करते हुए एक सिंपल कि आप कैपेसिटर जेएस को यूज करते हुए एक प्रॉपर वर्किंग एंड्रॉयड ऐप कैसे बना सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे कोड को ओपन कर लूंगा और मैंने यहाँ पर इसके जो पैकेजेस थे वो सारे अप टू डेट कर लिए हैं, फुली अप टू डेट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पैकेजेस के जो जो वर्जन है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, और बाकी सारा जो कोड है वो आप पिछली सीरीज में से उसको फॉलो करके ले सकते हैं। आप सबसे पहले इसके सेटअप के लिए हमें जो चीज़ करनी होगी वो हमें इसका एक आइकॉन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आइकॉन और स्प्लैश स्क्रीन। उसके लिए जो चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये होगी कि आप सिंपली इसका, हमारे पास जो आइकॉन है उसी को हम कॉपी करेंगे। हमारे पास ये आइकॉन है, सॉरी ये वाला, और हमने उसे रखना है रिसोर्सेस। उसमें इसका नाम होगा आइकॉन और साथ ही स्प्लैश। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्या करूँगा। यहाँ पे बेसिकली हम जाएंगे कैपेसिटर, कैपेसिटर जेएस लिख के आप सर्च करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ से आप इसकी डॉक्स में आ जाएंगे। और जैसे ही आप इसकी डॉक्स में आ जाएंगे, उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा इसके रिसोर्सेस का सेक्शन। ये रहा स्प्लैश स्क्रीन और आइकॉन, और ये हमारे पास है। नेक्स्ट, अब हम इसको, मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है और इसको यूज़ करते हुए हम किस तरह अपनी जो एंड्रॉयड और आईओएस ऐप है उसके जो आइकॉन्स हैं उसको बनाएंगे। लेकिन इस को यूज करने से पहले हमें एक काम और करने की जरूरत है। वो बेसिकली ये है कि इसने, इस पैकेज ने जो चीज सेटअप करनी है वो यहाँ पे एक एंड्रॉयड का फोल्डर, हमने एंड्रॉयड की ऐप बनानी है उसमें उसको सेटअप करना है। तो वो एंड्रॉयड का फोल्डर, वो एंड्रॉयड की ऐप कैसे बनेगी, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसी कमांड से जिसके थ्रू के हम उसके आइकॉन को सेटअप करेंगे। कोड में आ जाऊंगा और इसको अभी के लिए मैं क्लोज कर दूंगा और वापस मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। मैं यहाँ पे इस चीज़ को वेरीफाई करूंगा कि मेरे पास ये ऐप की कमांड है और यहाँ पर एंड्रॉयड का जो पैकेज है वो नहीं है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद एंड्रॉयड, ये हमने इंस्टॉल करना है और उसके बाद ये कमांड रन करनी है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा, और जैसे कि हमारी कन्वेंशन है हम PNPM को यूज़ करते हैं, तो मैं इसे वो ऐड कर लूँगा। इससे पहले ये इंस्टॉल हो जाएगा, इसका वेट करेंगे, जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद फिर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा, उसके बाद मैंने ये कमांड रन करनी है, तो मैं इस कमांड को यहाँ पर स्क्रिप्ट में ऐड कर लूँगा ताकि ये आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, कैप एड एंड्रॉयड, ओके, और ये कमांड है। और जो CAP कैप है ये स्टैंड करता है कैपेसिटर के लिए, और मैंने, क्योंकि कैपेसिटर CLI को पहले ही इसमें एज अ डेप
एज अ डेव डिपेंडेंसी ऐड किया हुआ है, इस वजह से ये कमांड काम कर जाएगी। अगर ये पैकेज यहाँ पे ना होता तो फिर ये कमांड ने काम नहीं था करना। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, अब मैं ये कमांड को रन करूँगा, इसे सेव कर लेंगे, और सॉरी मैं इसे क्लोज करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा क्योंकि हो सकता है ये यहाँ पे सेव ना रहे, इसको यहाँ पे दोबारा, और वो सेव नहीं थी, ये हमने अच्छा किया। अब इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके पेस्ट करके रन करूँगा। अब की बार आप देखेंगे कि ये बेसिकली इसने ये कमांड ने यहाँ पर एंड्रॉयड का फोल्डर बना दिया, एंड्रॉयड का फोल्डर बनाया है, और उसमें ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे काम के लिए ज़रूरी है, और इसमें जो इसका एक्सक्लूड का पाथ था वो इसने प्रॉपरली सेटअप कर दिया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आसानी के लिए मैं इसके एक्सक्लूड में थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी सी और ये चीज़ें यहाँ पर एक्सक्लूड ही हैं, जो कि सही है। बिल्ड ओके, अभी के लिए ठीक लग रहा है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर सिर्फ इसकी वो देख लेते हैं जो इसका है, ये सही नहीं है, ये सही है, ठीक है, ये है मेन। इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बेसिकली इसका जो ऐप आइडेंटिफायर है और ये सारी चीज़ें, ये भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। खैर, अभी एंड्रॉयड का फोल्डर हमारा ऐड हो गया। अगर हम सिर्फ और सिर्फ यहीं पर रहते हुए इसको चला के देखना चाहें तो हम वो कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एंड्रॉयड के फोल्डर में ऐप में अभी हमारे पास मेन में ये हमारे पास ऐप यहाँ पर है, ये इसने ऐप को ऑटोमेटिकली कॉपी कर लिया जो कि बंडल्ड ऐप थी। ओके, आपको बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन जाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली सिर्फ आप जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ वही आपके लिए ज़रूरी है, वही फॉलो करते हुए आप इसको कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसको चला के दिखाता हूँ ताकि आप देख सकें जो हमने चीज़ ऐड की है कि वो काम कर रही है, और ये कितना सिंपल था। ऑब्वियसली अभी काफ़ी चीज़ें रिमेनिंग है, लेकिन बेसिक्स ही एक चीज़ हम चला के देखते हैं। एंड्रॉयड और ये सेव करूँगा, ये कमांड हमने यहाँ पे ऐड कर ली है, मैं इसे क्लोज करूँगा और इस कमांड को कॉपी करने के बाद क्लोज करूँगा और अब इस कमांड को रन करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली आपने गेस कर लिया होगा ये एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करेगा, इस प्रोजेक्ट की जो फोल्डर है, ये जो फोल्डर हमने बनाया इस फोल्डर को ये एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करेगा। यहाँ पे हो गया, इसको आप ट्रस्ट पे कर दें, ट्रस्ट प्रोजेक्ट करें, आपका अपना प्रोजेक्ट है, होपफुली आप ट्रस्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट उसके बाद आपने इसको वेट करना है, इसको टाइम देना है, क्योंकि ये जो इसके ग्रेडल फाइल्स हैं, जो भी इसकी डिपेंडेंसी है, जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज हैं, उन सबको डाउनलोड करेगा, जो कि सारी यहाँ पर मैंशंस हैं, ये सारा बेसिकली जो वर्जन नंबर है, उसके अलावा ये ग्रेडल में इसके ना पैकेजेस सारे मैंशन होते हैं, ये सारे, ये सब चीज़ों को डाउनलोड करेगा और सेटअप करेगा, जिस पे कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो इसको हम वहाँ पे कंटिन्यू होने देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये चीज़ अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट जो इसका रनिंग वाला काम होगा वो इस कमांड के बाद ही होगा, तो इस कमांड के ख़त्म होने तक हम जो दूसरा काम है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये काम भी अभी करना है कि ये बेसिकली इसके प्रोजेक्ट का जो वर्जन है, AGP वर्जन, उसको भी अपग्रेड करना है, तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे इस कमांड के कंप्लीट होने का और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मेरे पास वो कमांड कंप्लीट हो चुकी है, ये टाइम लेगी, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड कर सकती है, तो प्लीज़ इस पर वेट करिएगा। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है स्टार्ट अपग्रेड पे, यहाँ से मैं लेटेस्ट वाले को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ लेटेस्ट वाले को सिलेक्ट करिएगा, अपग्रेड इसको चेक रखना है और फिर इसको रन सेलेक्ट स्टेप्स करना है। ये वंस अगेन इसमें ये इसने फिर डाउनलोडिंग करनी है फाइलों की, तो इस पर टाइम लगेगा, मैं इस पर वेट करूंगा, जैसे ये डाउनलोडिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास यहाँ पे ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, वंस अगेन आपके पास ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये ओके हो गया, अप टू डेट है, इसको डाउन कर दूंगा और बाकी मैंने अभी यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, मैं सीधा इसको यहाँ पे रन पे कर दूंगा। वंस अगेन ये एंड्रॉयड स्टूडियो के बेसिक चीज़ें हैं कि आपके पास एक जो डिवाइस है एम्यूलेटर, वो पहले से सेटअप होनी चाहिए, मेरे पास पहले से सेटअप है, इस वजह से मुझे वो नहीं करनी पड़ी। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो अभी इंस्टॉल ही नहीं किया तो आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, एम्यूलेटर सेटअप करना पड़ेगा, सारी चीज़ें। मेरा ये सारा सेटअप है, मैं सिर्फ रन पे क्लिक करूँगा और ये कह रहा है मिसिंग इमेज दिस, ओके
ओके नो प्रॉब्लम, मैं इसके अपडेट पे क्लिक करूंगा और ये मुझे कह रहा है कि ये है, रिमाइंड मी लेटर, अपडेट नाउ। ओके ये बेसिकली क्योंकि मैं ने शायद ये बेसिकली मेरे सिस्टम स्पेसिफिक चीज़ है कि मुझे इसको अपडेट करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी है। हो सकता है आपके अगर आपने यहाँ पे इम्यूलेटर पहले सेटअप किया हो आपका, वो वैसे ही चल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ जो एंड्रॉयड स्टूडियो का इम्यूलेटर है उसको अपडेट कर रहा है। तो मैं इसका वेट करूंगा, जैसे ही ये अपडेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसके रन बटन को क्लिक करेंगे। तो मैं इसके कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा और एक दफ़ा फिर प्ले पे क्लिक करूंगा। और ये अभी यही कह रहा है, मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा प्रोजेक्ट को क्लोज करके, एंड्रॉयड स्टूडियो को क्लोज करके दोबारा ओपन कर लूँगा कि जस्ट इन केस अगर उसने उसको पिकअप नहीं किया उसके अपडेट वगैरह को, तो वो उसको पिकअप कर ले और मोस्ट प्रोबेबली ये चल जाए। इसका वेट करेंगे, ये इंडेक्सिंग वगैरह यहाँ पे कंप्लीट करेगा। इस दफ़ा ये काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इस दफ़ा इसने कुछ डाउनलोड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स वगैरह फाइल की इंडेक्सिंग को कंप्लीट करना है। रन, और ये अभी भी यही कह रहा है कि सिस्टम इमेज इसको नहीं मिल रही। ये बेसिकली वंस अगेन ये मेरे लोकल सिस्टम में इश्यू है कि ये जो इमेज आई है इसको नहीं मिल रही किसी भी वजह से। तो यहाँ पे मैं इसको ज़रा रिजोल्व करूँगा और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। मैं इसे यहाँ पे क्लोज करूँगा एक दफ़ा, फिर हम सिर्फ और सिर्फ इम्यूलेटर को चला के देखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा वर्चुअल डिवाइस मैनेजमेंट पे और ये कह रहा है कि इसका कुछ मसला है, मिसिंग सिस्टम इमेज, कोई मसला नहीं, और मैं इसको डिलीट ही कर दूँगा। सिंपल, क्रिएट न्यू वर्चुअल इमेज, और ये देखें यहाँ पे इमेज एक्सिस्ट नहीं करती ये। ओके अब यहाँ पे एक चीज़ मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा, वो जब भी आप वर्चुअल इमेज बना सॉरी इम्यूलेटर बना रहे हो तो वो वाला चूज़ करिया करें जिसमें प्ले स्टोर का ऑप्शन अवेलेबल हो। उसके बाद कोई एक सिंपल सा चूज़ कर लेते हैं जो स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा पावर ना ले। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इमेज अवेलेबल नहीं थी, ये मसला था मेन। तो मैं लेटेस्ट वन को यूज़ करूँगा, एंड्रॉयड 14 को। आप ऑब्वियसली उससे ऊपर भी जा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं, लेकिन एंड्रॉयड 14 अभी के लिए बेस्ट है, इसको करेंगे। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डाउनलोडिंग का टास्क है और ये डाउनलोडिंग भी इसकी काफ़ी लंबी है, ऑलमोस्ट 1.1 GB से ज़्यादा, 1.4 GB डाउनलोडिंग है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको हम यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे। जो रनिंग वाला काम होगा वो हम बेसिकली नेक्स्ट किसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे जब ये डाउनलोडिंग वाला काम खत्म हो जाएगा। अभी हम वापस आते हैं और अपने काम से कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा है नेक्स्ट जो हमने करना है वो अपनी ऐप का जो आइकॉन वगैरह है उसको सेटअप करना है। तो उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। ऐप आइकॉन और स्प्लैश स्क्रीन को सेट करने के लिए हम वापस यहीं पे आ जाएंगे जिस चीज़ से हम काम कर रहे थे, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। इस चीज़ को मैं कमेंट कर लूँगा ताकि आपको एटलीस्ट प्रॉपर हिस्ट्री मिलती रहे कि हमने कब क्या काम किया। ये रिसोर्सेज के फोल्डर को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले बना दिया था, तो कम अज़ कम आपको पता लगता रहे ओके क्या काम। ये दो चीज़ें हमारी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने पैकेज इंस्टॉल किया और उस पैकेज के बाद जो कमांड रन की थी कैप एड एंड्रॉयड, उसकी वजह से ये पैकेज फोल्डर बना है। तो इसको ऐड कर देते हैं। ओके ये हमारा हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम वापस आ जाएंगे यहीं पे, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट इसके साथ मूव करेंगे। सबसे पहले ये पैकेज हमें चाहिए और ये एज अ डेव डिपेंडेंसी चाहिए, तो इसको इंस्टॉलेशन पे लगा देंगे, वापस आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि ये चीज़ें हमें चाहिए मेन में, एसेट्स के फोल्डर में हमें ये दो चीज़ें चाहिए, आइकॉन ओनली, या तो हम सिर्फ सिर्फ आइकॉन प्रोवाइड कर लें या फिर हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोवाइड कर लें, और उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन या तो सिर्फ एक प्रोवाइड कर लें या फिर डार्क वर्जन भी प्रोवाइड कर लें। मैं सिर्फ अभी एक एक चीज़ प्रोवाइड करूंगा, ओनली और स्प्लैश स्क्रीन। तो यहीं से पता चला कि मैंने वो जो फोल्डर था रिसोर्सेज मैंने रख दिया था जबकि एसेट्स होना चाहिए था। तो ये एसेट्स आ गया, उसमें आइकॉन ओनली चाहिए, तो मैं यहाँ पर एसेट्स में से इसको कॉपी करूँगा और अभी के लिए मैं इसको ये आइकॉन ओनली भी कह रहा हूँ और इसी को
स्प्लैश भी कैब, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पर, ये चीज़ जो आइकॉन की फाइल है वो ये होनी चाहिए, उसकी जो डायमेंशन वगैरह है वो इतनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फोल्डर में आएंगे और इसको ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पर आ जाऊँगा यहाँ पे और आइकॉन ओनली को ओपन करूँगा और टूल्स में जाके एडजस्ट साइज में इसको कह दूंगा 124। ये मैकओएस का स्पेसिफिक फीचर है, तो विंडोज़ में ये अवेलेबल नहीं होगा। विंडोज़ में आप सिंपली यहाँ पर जाके इमेज री साइज कह सकते हैं। ओके, और ये एक अच्छा टूल है, ये मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, आप इसको यूज़ कर लें, नहीं तो कोई और यूज़ कर लें। दूसरा इसको ओपन करूँगा मैं, और इसको हमने करना है इस पर 2732। वंस अगेन टूल्स एडजस्ट साइज 2732 और सेव। ऑब्वियसली इमेज तो अभी डिस्टर्ब हो चुकी होगी, लेकिन एटलीस्ट हमारा काम चल जाएगा आपको, क्योंकि स्पेसिफिकली होपफुली स्पेलैश स्क्रीन और आइकॉन प्रॉपरली मिलेंगे एग्जैक्ट डायमेंशन में, तो आपको मसला नहीं होगा। PNG या JPG सपोर्टेड है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली है। नेक्स्ट हमने ये काम करना है जनरेट एसेट्स। वंस अगेन मैंने क्योंकि इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ पैकेज को, तो मुझे NPX को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर आऊँगा कमांड में और एक कमांड ऐड कर दूंगा, कैप जनरेट एसेट्स ये, और इस कमांड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके npm this। वंस अगेन ये मेरी एक वो है एलियस है जो कि मैंने ऐड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, ये फिलहाल लोकल वार्निंग है, इसका आपको जरूरत नहीं है कोई भी। और यहाँ पे ये किसने मसला किया है, इसने बेसिकली PWA के लिए भी बनाया और एंड्रॉयड के लिए भी बनाया। मैं वापस आके समझाता हूँ क्या हुआ है। इसने यहाँ पर इसको एक तो अपडेट कर दिया जो कि नहीं था चाहिए मुझे, ये आइकॉन्स में ये इसने ऐड कर दिया, ये बिल्कुल नहीं था मुझे चाहिए। और दूसरा इसने ये वाला काम ठीक किया जो कि मुझे चाहिए था, इसने इसमें ये सारे आइकॉन्स अपडेट कर दिए हैं, ये मुझे चाहिए था, लेकिन ये वाला काम नहीं था चाहिए जो इसने दूसरा किया है। उसके लिए मैं आइकॉन्स का फोल्डर इसको डिलीट कर दूंगा और इस फाइल को मैनिफेस्ट को, जो मैनिफेस्ट में जो चेंजेस हुए हैं उसको रिवर्ट कर दूंगा, रिवर्ट चेंजेस, दैट्स इट। वापस आ जाएंगे और सिर्फ इतना। मैं इस कमांड में आके देखूंगा कि यहाँ पर हमारे पास ये डैश डैश एंड्रॉयड का फोल्डर है, सॉरी इसकी ये है फ्लैग, ये ऐड कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसको रन करें इस कमांड को, तो ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड की चीज़ों को ऐड करें। ये देखें, इस दफ़ा इसने सिर्फ एंड्रॉयड को किया, लास्ट टाइम इसने PWA को भी किया था। और इसने iOS को क्यों नहीं था किया, क्योंकि PWA इस वजह से किया क्योंकि पब्लिक का फोल्डर था, एंड्रॉयड इस वजह से किया क्योंकि एंड्रॉयड का फोल्डर था, iOS इस वजह से नहीं किया क्योंकि iOS का फोल्डर नहीं था। अगर यहाँ पे iOS का होता तो लास्ट टाइम इसने iOS को भी करना था, लेकिन इस दफ़ा मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि सिर्फ एंड्रॉयड को ही करना है। इसी के साथ हमारे जो बेसिकली जो स्प्लैश स्क्रीन और ये दूसरा जो काम था वो कंप्लीट हो गया, तो इसको कमिट कर लेंगे। और उससे पहले मैं इसको देख लूँगा, ये अभी हो रहा है, इसको रहने देंगे, यहाँ पे कमिट करेंगे इसको एंड्रॉयड ऐप आइकॉन एंड स्प्लैश स्क्रीन इमेज अपडेटेड यूजिंग कैपेसिटर एसेट्स पैकेज। ओके, ये चीज़ हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने जो एंड्रॉयड ऐप है उसका जो बंडल आइडेंटिफायर है, उसका ऐप नेम है और उसका जो बिल्ड कोड और बंडल कोड, वर्जन कोड और बिल्ड कोड, इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली जो चीज़ें मैंने नाम ली हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये वर्जन कोड है, ये वर्जन नेम है, ये आइडेंटिफायर है और यहीं पे कहीं ऐप नेम भी होता है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक बड़ा ही इजी टू यूज़ पैकेज है जो कि शायद मैंने इंस्टॉल किया हो। ओके, अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हुआ। और उस पैकेज का जो नाम है वो आप ट्रैप जेड डेव कॉन्फ़िगर, ये बेसिकली आप याद कर लें जैसे भी है, ये है, ये एक इन्होंने इजी टू यूज पैकेज हमारे लिए बनाया हुआ है जिसको हम यूज करते हुए अपनी iOS और एंड्रॉयड ऐप की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत इजीली। तो गेटिंग स्टार्टेड में आते हैं।
यहाँ से हमने बेसिकली आप इसको खुद स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका बता दूंगा, जो बेसिकली जो तरीका है उसके लिए। मैं यहाँ पे कोड में आऊंगा और यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा एप्स कन्फिग XML। और यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा एप्स कन्फिग YAML। उसके बाद ये मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा। ये बेसिकली कह लें कि एस इट इज स्ट्रक्चर, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं ये सारा, क्योंकि मैंने पहले पूरा स्टडी किया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर अब हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर अब हम इसे चेंज कर देंगे अपनी ऐप के लिए। मैं यहाँ पर A1SN, ये रिवर्स डोमेन होती है न्यूज पेपर, इसको कॉपी करेंगे आइडेंटिफायर को एज इट इज। और आप चाहें तो इसको बेसिकली दो को खत्म करके यहाँ पर एक को यूज कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद वंस अगेन इसको भी एक को यूज कर सकते हैं, ये आप इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम ये वर्जन कोड 1 हो जाएगा। और ये iOS वाली कॉन्फ़िगरेशन अभी यूज नहीं होगी क्योंकि हमारे पास iOS का फोल्डर नहीं है, उसकी ऐप नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड की कॉन्फ़िगरेशन यूज होगी। एंड्रॉयड की कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एंड्रॉयड की ऐप को प्ले स्टोर कंसोल पे रिलीज कर रहे होते हैं, हमें हर दफा इस वर्जन कोड को एक इसमें प्लस, कम से कम एक प्लस करके रिलीज करना होता है। मीन कि अगर मैंने वर्जन कोड 2 को एक दफा ऐप स्टोर पे प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया है तो फिर मैं वर्जन कोड 2 या 1 को अपलोड नहीं कर सकता, मुझे 3 करना पड़ेगा। मैं 3000 या 3 मिलियन कर सकता हूँ लेकिन 1 नहीं कर सकता, मतलब 2 से वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 1 करके इंक्रीज करिएगा, डायरेक्ट 100 इंक्रीज ना करिएगा। कर सकते हैं लेकिन आपके लिए मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 1 इंक्रीज करते रहेंगे तो आपको पता है कि ओके आप 19 से अभी, तो आपने नेक्स्ट टाइम इसको 20 करना है, जो कि काफी ईजी है। अभी के लिए हम इसको 1 पे रखेंगे, आप इसको 0 पे रख सकते हैं लेकिन मैं 1 पे ही रखूंगा, 1 नॉर्मल है कि स्टार्टिंग वर्जन को। और उसके बाद जो बेसिक सेटिंग हमने और भी चेंज करनी है, हमने यहाँ पे इस आइडेंटिफायर को चेंज करना है और ऐप नेम को यहाँ पर चेंज करना है। लेट्स से ये ऐप नेम हो जाएगा न्यूज़पेपर। ओके, और इसको हम ये कन्फिग हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये नहीं चाहिए क्योंकि वो आयोनिक के रिलेटेड थी जो कि हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। उसके बाद हम इसमें इसका नाम चेंज कर देंगे, इसको अभी के लिए रहने देंगे, ये यूज नहीं हो रहा, मेनली सिर्फ यही है, ये फर्स्ट टाइम जब हम बनाते हैं तब यहाँ पे यूज होता है, इस वजह से मैंने इसको चेंज किया। लेकिन ये क्योंकि अब हमने ऐड कर ली है तो इसकी जो अब हमने कमांड ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं वापस और यहाँ से इसकी कमांड देख लेते हैं। यहाँ से मैं फ्रेमवर्क्स में से कैपेसिटर पे गया हूँ और ये इसकी कमांड है। सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, ये इन्होंने बताया हुआ है। हम यहाँ पे आएंगे PNPM के थ्रू इसको इंस्टॉल करेंगे। मीन वाइल इसको भी देख लेंगे, ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश कर देंगे ताकि ये यहाँ पर हो जाए। यहाँ पे वापस आ जाएंगे और ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ से मैं इसकी जो कमांड है उसको कॉपी कर लूंगा। इधर आ जाऊंगा मैं पैकेज में और एक कमांड ऐड कर लूंगा। ये जैसे ये पहले खत्म हो लेने थे क्योंकि इसने ऐड करना है। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको यहाँ से एक दफा रन करके देख लेंगे कि ये स्टार्ट होता है कि नहीं। ये यहाँ पर एटलीस्ट सक्सेस हो गया, यहाँ पर स्टार्टिंग अप आ रहा है, यहाँ पर देख लेंगे ये कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पर एक कमांड ऐड कर लेंगे सिंक एप्स कन्फिग और उसमें ये कमांड हो जाएगी। इसको अब वो वाली फाइल देनी है जो हमारी अपनी है, तो यहाँ पर हम एप्स सॉरी डायरेक्टली लिखते हैं एप्स कन्फिग .yaml, सेव क्लोज और उसकी बस इसको मैं कॉपी कर लूँ। यहाँ पर आके इसको रन कर दूंगा एक दफा, ये मुझसे पूछेगा कि ओके ये चेंज आप अप्लाई करना चाहते हो, यस आप यस करें और ये चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इम्यूलेटर अभी स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है। इस इम्यूलेटर को यहाँ पे स्टार्ट होने देंगे और यहाँ पर हम इसको कमिट कर लेंगे कोड को कि हमने अभी तक क्या किया है। ऐड करेंगे अभी तक हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। हमने बेसिकली इस पैकेज को ऐड किया है ऐप कॉन्फ़िग को कंट्रोल करने के लिए। इस पैकेज को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जो पैकेज हमने ऐड किया है वो उसका नाम यहीं पे होगा, ट्रैप। ओके और मैंने इसको गलती से डेवलप प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज में ऐड कर दिया जो कि गलत है, तो उसको सही करना पड़ेगा। इसको बेसिकली यहां से कट करें, यहां पर मूव करें, सेव करें और एक दफा PMPM इंस्टॉल कर लें ताकि वो उसको अपडेट कर दे अपनी जो कन्फिग है उस सब को, और उसको प्रॉपरली वहां पे मूव कर दे जो डेवलपमेंट वाली डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज है वहां पर, और यहां पे हमारा इम्यूलेटर इसको अलाउ कर देंगे। ये हमारे सिस्टम के साथ डिबगिंग उसको अलाउ करने का तरीका है। इसको ऑलवेज को ज़रूर चेक करना है, अलाउ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपका ये इम्यूलेटर जो है वो प्रॉपरली कन्फिगर हो जाएगा और चलने लग पड़ेगा। यहाँ पे ये कम्प्लीट हो गया है और इसको मैं यहाँ पर कमिट कर लूँगा। उसके बाद अब नेक्स्ट हम फिर एक दफ़ा वही एंड्रॉयड ओपन वाली कमांड करेंगे और ऐप को चलाने की कोशिश करेंगे, और इस दफ़ा बहुत उम्मीद के साथ हमारी ऐप ज़रूर चलेगी। ये तो मैनेज ओके नेक्स्ट अब एंड्रॉइड की ऐप को चला के देखते हैं। मैं यहां पर टर्मिनल में आ जाऊंगा और यहां पर कमांड रन करूंगा जो ओपन वाली हमने कमांड ऐड की थी, हमारी कमांड थी ये वाली। ओपन करेंगे इसको एंड्रॉइड में। ओके इसने ओपन कर दिया। ये इंडेक्सिंग वाला काम काफी जल्दी खत्म हो जाएगा, इसने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स करना है, लोड करना है, दैट्स इट, खत्म हो गया। और अब की बार जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कमांड रन होने लग पड़ी है, ये प्रोसेसिंग यहाँ पे कर रहा है। ये बेसिकली इस ऐप का जो APK फाइल होती है, जो APK फाइल इंस्टॉल करनी होती है इस इम्यूलेटर में, वो यहाँ पे बिल्ड कर रहा है। जैसे ही वो बिल्ड हो जाएगी उसके बाद वो इसको इस फोन में कॉपी करेगा इम्यूलेटर में और फिर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वेट करते हैं, ये सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम इस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि फर्स्ट बिल्ड होती है, जो बाद में सब्सिक्वेंट बिल्ड्स होंगी वो काफ़ी फास्ट होंगी। और यहाँ पर ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है, इसका बस वेट करते हैं थोड़ा सा। आप चाहें तो यहाँ पर बिल्ड को भी ओपन कर सकते हैं ताकि आप देख सकें ये बिल्ड है, ये साथ में लॉक कैट है। यहाँ पर ये बेसिकली जब आपकी ऐप एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती है एम्यूलेटर में, उसके बाद लॉक कैट में लॉग्स आ रहे होते हैं आपकी ऐप के, मीन कि अगर आप ऐप में कोई कंसोल लॉक करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा लॉक कैट में। अभी बिल्ड में आप देख सकते हैं कि ओके क्या हो रहा है। यहाँ पर बिल्ड को ओपन रखना बेहतर होता है ताकि अगर आपका कोई भी एरर आए या कोई मसला आए तो आप देख सकें। अगर यहाँ पे कोई मसला आएगा तो आपकी ऐप कम्प्लीटली रन नहीं होगी, सक्सेसफुली रन नहीं होगी, बल्कि बिल्ड फेल हो जाएगी। ये अभी यहाँ पे बिल्ड चल रही है, कोई अभी तक एरर नहीं आया, ये सारे जो प्रोसेस थे इसमें कंप्लीट कर ली है। बीच में एक दो लाइन रेड आ सकती है, उसकी आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर यहाँ पे बिल्ड फेल हो तो तब मसला है, अगर एक दो लाइनें रेड आई और आपकी ऐप चल गई है तो ओके है। बीच में क्योंकि बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी पैकेजेस होते हैं, ये एंड्रॉइड स्टूडियो का अपना भी कोई मसला हो सकता है, काफी चीजें हो सकती हैं, तो हर एक चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेनली सब ये देखना है कि आपकी ऐप मेनली रन हो रही है कि नहीं हो रही। अभी ये बिल्ड ही बना रहा है तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, और तब तक ये लोकेट है। ये आपका, आप अगर चाहें तो एंड्रॉयड स्टूडियो को ही यूज़ करते हुए डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपकी ऑब्वियसली अभी तो इसने जो बंडल्ड ऐप है उसको ओपन किया है, लेकिन आप यहाँ पे अपना पूरा प्रोजेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, इस सच कोई इशू नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि बेसिकली ये रेस का फोल्डर है, इसको अगर हम ओपन करें और इसमें से ये इसमें आते हैं और स्प्लैश में आते हैं, स्प्लैश जो है इसको अगर मैं डबल क्लिक ओपन करता हूँ ये सही है, लेकिन अगर यहाँ पर बेसिकली जो इसका आइकॉन है ना वो अभी सही नहीं है। ये इंस्टॉल सक्सेस हो गया और ये देखें अभी के लिए, हालांकि यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन सही है लेकिन यहाँ पे सही तरह रिवर्ट नहीं हुई क्योंकि ये दो फाइलें प्रॉपरली अपडेट नहीं हुई। इनको कैसे अपडेट करना है, और अभी मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली जो इसका आइकॉन है वो भी सही नहीं है। यहाँ पे हम लॉक कैट में आ जाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप सही तरह रन कर रही है, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी देख सकते हैं
इसको क्लोज कर देते हैं इस पर क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने अपनी ऐप को फुली रिस्पॉन्सिव बनाया था, इस वजह से अब हमें उस तरफ से कोई मसला नहीं है, हमारी ऐप सही है। लेकिन जो एक एक्चुअल मसला है कि एक तो ये आइकॉन, मुझे यहाँ पे अपना आइकॉन चाहिए, और जब मैं ऐप को स्टार्ट करूँ यहाँ पे क्लिक करके, तो मुझे यहाँ पे अपना स्प्लैश जो स्क्रीन है वो भी चाहिए। और लास्टली एक जो मसला मैंने सिर्फ अभी देखा है वो ये है कि यहाँ पर ऐप का जो नेम है वो न्यूज का जो एन है वो कैपिटल, और न्यूज पेपर एन और पी मुझे कैपिटल चाहिए। ये तीनों चीजें हम नेक्स्ट अब कंटिन्यू करेंगे और इनको सही करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने ये जो काम किया है ये काम आपने करना है, ये जरूरी है, क्योंकि इस काम की वजह से हमारी ये जो स्प्लैश स्क्रीन है ना ये यहाँ पर प्रॉपरली सेट हो चुकी है, तो ये काम जरूरी है, इसको स्किप नहीं करना। दूसरा जो काम जो बेसिकली जरूरी है इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो ये है कि आप इस रेस के फोल्डर पे जो एक्सपेंडेबल रेस है उस पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे आएंगे और यहाँ पे इमेज एसेट कहेंगे, एक यहाँ पे इसको यही रहने देंगे लॉन्चर आइकॉन, और ये लोड हो गया है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और अपने पाथ तक लेके जाएंगे जहां पे कि आपका आइकॉन पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर बेसिकली इसमें आ जाऊंगा, इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर आइकॉन को सिलेक्ट करके यहाँ पे छोड़ूंगा। वंस अगेन ये मैक का फीचर है, विंडोज में वो वहां पे मूव कर देता है, तो अपने अपने सिस्टम का ख्याल रखना है बस आपने। ये एक चीज जो मुझे चाहिए, मुझे ये इसका ना बैकग्राउंड कलर ये वाला चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली मैं इस इमेज को यहाँ पे ओपन करूंगा। ओके, और यहाँ पर अब मैं आपको एक नई एक्सटेंशन बताऊंगा, वो एक्सटेंशन है कलर जिला, इसको इंस्टॉल कर लें, ऐड, इसको मैं यहां से क्लोज कर लूंगा, इसको क्लोज कर लूंगा, और कलर जिला को डिटेल्स में आके यहाँ पे ये चीज जरूर करनी है, अलाउ एक्सेस टू फाइल यूआरएल, इसके बिना नहीं चलेगा। अब इसको करते हैं, इस पे क्लिक करूंगा, पिक अ कलर फ्रॉम पेज, और इस कलर को कॉपी कर लूंगा, ये मेरे पास कलर कोड आ गया। अब आप चाहें तो डायरेक्टली यही कलर कोड यूज कर लीजिएगा जैसे आपको। ओके, ये कलर कोड ये वाला, सॉरी नहीं, सही है, सही हमने को भी किया, मुझे लगा शायद गलत कोड। और यहाँ पर फोरग्राउंड ये हो गया, बैकग्राउंड पहले चेंज करें, इसको कलर पे ले जाएं और यहाँ पर इसको हेक्स को चेंज कर दें। अब वापस आए और इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें जहां पर के ये सही लगने लग पड़े, आपकी अपनी मर्जी है जहां पे आपको सही लगता है, मुझे यहाँ पे सही लग रहा है 58 पे, मैं इसको नेक्स्ट करूंगा और फिनिश करूंगा। अभी आप देखेंगे कि ये चीजें हुई हैं। ओके, और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कोई कमिट नहीं है, बेसिकली कोई चेंज नहीं हुआ, मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और ये चीज यहाँ पर हो गई है, लेकिन अभी ये चेंज प्रॉपरली इंप्लीमेंट, अक्सर अवकात एटलीस्ट मेरे साथ ऐसे होता है कि ये चेंज इंप्लीमेंट नहीं होता, करके यहाँ पे देखते हैं कि इंप्लीमेंट हुआ है सही तरह के नहीं। ये आइकॉन देख सकते हैं इस तरह है, प्ले करते हैं और इस दफा आप देखेंगे काफी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये कंप्लीट हो गई है इस दफा, ये काफी जल्दी ये इंप्लीमेंट हो गया। ओके, एक चीज इंप्लीमेंट हो गई और ये आइकॉन भी। खैर अक्सर अवकात ये होता है कि ये चीज इंप्लीमेंट नहीं होती, तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, आपने ये प्रोसेस रिपीट कर देना है। तो मेरी आदत हो चुकी है कि मैं एक दफा अप्लाई करता हूँ और उसके बाद इसको सिर्फ और सिर्फ यही इमेज ऐसे टैसे करके कुछ चेंज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूँ, और तब की बार ये मुझसे ये स्क्रीन पूछता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम इसने ये नहीं था पूछा। तो खैर जो भी मसला है मैं इसको सिर्फ ऐड कर लेता हूँ और ये काम हो गया, और इसके बाद जब दो दफा हम एटलीस्ट इसको करते हैं तब कंफर्म चीज है कि ये अप्लाई हो चुका होता है, एटलीस्ट अभी तक मेरे पास ये केस नहीं आया कि उसके बाद ये अप्लाई ना हो। तो यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन भी आ गई और हमारा जो मेन आइकॉन था वो भी आ गया, दोनों चीजें हमारी कॉन्फ़िगर हो गई। एक चीज जो हमारी रह गई है वो इसका नाम है, वो हम नेक्स्ट चेंज करेंगे। इस काम को करने के लिए मैं यहाँ पे कोड में आऊंगा और सबसे पहले इसको बेसिकली कमिट कर लूंगा ये चेंजेस, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि पहले ये इस तरह था और अब ये इस तरह हो गया, तो एटलीस्ट चेंज होता है थोड़ा बहुत जो भी इसका मसला है। तो यहाँ पे हम ये कर देंगे एंड्रॉयड ऐप
आइकॉन एंड स्प्लैच स्क्रीन अपडेटेड। नेक्स्ट हमने इसका नाम चेंज करना है, तो उसके लिए अब पहली जगह जहां पे हमारा ये चीज यूज हुई है, यहां पे आकर सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो इस चीज को हमने चेंज करना था, सॉरी ये मैं भूल गया, न्यूज पेपर सेव, ये हमारा नेम है और यहां पर हमारा ये बंडल आइडेंटिफायर है, इसको क्लोज करेंगे और इस चीज को यहां पर हम क्या देंगे, न्यूज पेपर, दैट्स इट, ये ऐप नेम है। और इसके बाद अब जो हमने चीज करनी है वो ये करना है कि सबसे पहले हमने इसकी बिल्ड बनानी है एक नंबर वन। उसके बाद अब मुझे एक और नई कमांड चाहिए, यहां पे क्या हुआ, ओके टाइप नल इज नॉट असाइनेबल टू दिस, कोई मसले वाली बात नहीं, हम यहां पर आते हैं, ये कौन सा पेज है और यहां पर ये कह रहा है, ओके ये कहां पर है, अच्छा ठीक है कोई मसले वाली बात नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये कह देते हैं अनडिफाइंड। खैर ये कोई इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है बल्कि काफी गलत सोल्यूशन है, तो हम सही सोल्यूशन की तरफ ही जाते हैं क्योंकि ये कोई और देखेगा तो वो फिर गुस्सा करेगा, ये बेहतर है। तो प्लीज सॉल्यूशंस काफी होते हैं एक चीज के, लेकिन अच्छे सॉल्यूशन की तरफ जाया करें ताकि अगर कोई सीनियर देखे तो कम से कम उसको बिला वजह की तकलीफ ना हो कि भाई ये काम क्यों किया। अब यहाँ पे मसला होगा कि ये डेट या नल हो सकता है, तो हम यहाँ पर आएंगे और इसकी जगह हम सिंपली इसको अनडिफाइन कर देंगे, लेकिन वो फिर टाइपस्क्रिप्ट मसला करेगी, हाँ कोई मसले वाली बात नहीं, एक मिनट इसको करके देखते हैं। यहाँ पर अब टाइपस्क्रिप्ट इसमें ये मसला करेगी कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, कोई मसला नहीं, इसको हम करके हम इसको सिर्फ और सिर्फ कह देंगे कि अनडिफाइंड, ओके तो अब दोनों मसले हल हो गए। वापिस आते हैं फिर एक दफ़ा इसकी बिल्ड बनाते हैं, होपफुली इस दफ़ा इसकी बिल्ड बन जाएगी और ये यहाँ पर कंटिन्यू करता है, जी कंटिन्यू करता है। मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, जो कमांड जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो कमांड मुझे चाहिए यहाँ पर वो कमांड है, आप यहां से भी देख सकते हैं बेसिकली कैपेसिटर में से भी, अगर एंड्रॉयड में आते हैं तो गेटिंग स्टार्टेड ये रन ईटीसी सारा कुछ आप कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ देखे, इसमें एक कमांड होती है जो कि हमारे लिए यूज होती है, ये रही है अपनी, ओके उसके मैं खैर मैं बाद में जाता हूँ। हमारे पास एक कॉपी की कमांड होती है, हमें वो चाहिए होती है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको मिल भी जाएगी एटलीस्ट, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली अभी के लिए लिख रहा हूँ, एंड पे लिखेंगे, नीचे नीचे ऐड करेंगे कमांडों को जो नई कमांडें होंगी, कॉपी एंड्रॉयड और सिर्फ यहाँ पे कॉपी आएगा। ये करता क्या है मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली जो अभी मैंने बंडल की है ना ऐप बिल्ड बनाई है वो इसको अपडेट करता है डिस्क को, ये कॉपी ये करता है कि इस अपडेटेड बंडल को उठा के यहाँ पे रख देता है, इसमें ये इसमें अपडेट करता है, ये कॉपी की कमांड करती है। और उसके अलावा एक कमांड एक और होती है सिंक की कमांड, वो मैं आपको बता देता हूँ, सिंक की कमांड ये करती है कि जब हम कोई कैपेसिटर का पैकेज ऐड करते हैं ना, तो सिंक की कमांड उस कैपेसिटर के पैकेज को यहाँ पे मेंशन करती है कि ओके एक नया पैकेज आ गया उसको अपडेट करो, वो ऐड कर लेते हैं। सिंक यहां पर वापस आते हैं, सबसे पहले रन करते हैं कॉपी की, कॉपी ये सिंपली कॉपी करेगा, ये देखें कॉपी इस एसेट्स को वहां पे कर दिया। नेक्स्ट अब सिंक को करते हैं, ये बेसिकली सिंक की जो कमांड है ये पैकेजेस को देखती है, खैर अभी इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन एटलीस्ट हमारा काम, इसमें वापस आएंगे तो ये देखेगा चेंजेस हुए हैं उनको पिकअप करेगा, और अब की बार जब हम इसको करेंगे कि ओके प्लीज दोबारा बिल्ड करो, तो होपफुली ये जो नाम है ये अपडेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे वेट करते हैं और वहाँ पे ये ऑलमोस्ट लॉन्चिंग कर रहा है, यहाँ पे कुछ कह रहा है नहीं, बस एक ये जैसे ही इसको लॉन्च करेगा तो यहाँ पर होपफुली इसका अपडेट हो जाएगा, लॉन्चिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
ओके, इंस्टॉल सक्सेसफुली, ये हो गया। और यहाँ से बेसिकली मुझे इसके अभी इंटीरियर से गर्ज नहीं है, ये जो नाम है मुझे इससे गर्ज है। ओके, ये नाम यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। मैं वापस यहाँ पर आऊँगा और सोर्स में आके, ऐप में आकर, यहाँ पर स्ट्रिंग्स में, वैल्यूज में, स्ट्रिंग्स में ये नाम है, ऐप नेम, इसको हमने अपडेट करना है। ये नाम इसने कहाँ से उठाया है, इसको हम कॉपी करते हैं और ये देखते हैं कि ये नाम कहाँ कहाँ पर मेंशन है। ये सिर्फ यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में, तो हम इसको चेंज करके देखते हैं। लेट्स सी न्यूज़पेपर, और इसको हम अपडेट नहीं कर सकते तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो डन है। ये चीज़ हमारी इस तरह है। तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा, आप यहाँ पर डायरेक्टली अपडेट कर लें, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं उसको करूँगा, कैपिटल लिखूँगा, तो वो उस चीज़ को बेहतर नहीं समझेगा। यहाँ पे बेसिकली मैं लिखूँगा तो वो जेसन उसको कह देगा कि नहीं, ये अच्छी वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से इसको रहने देते हैं। और मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया। जहाँ तक मेरा आइडिया है, बेसिकली जब हमने इस फोल्डर को ऐड किया था, तब इसने ये वैल्यू सेट की इसके नेम पे, क्योंकि तब हमारा ये नेम डिफरेंट था। अब इसने इसको सेट कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली जब हम नेक्स्ट टाइम इसको ऐड करेंगे तो ये टेंशन नहीं होगी। अब मैंने आपको ये भी तरीका बता दिया, आप डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग्स में जाके इसको अपडेट कर सकते हैं, ऐप नेम को और एक्टिविटी नेम को। आप फिर इसको यहाँ पे आते हैं, ये चेंजेस को पिकअप करेगा, इसको फिर रन करते हैं, और अब की बार 100% चांसेस के साथ ये इसको अपडेट कर देगा, क्योंकि इस दफा हमने डायरेक्ट कोड में जाके उसको अपडेट कर दिया। एक चीज़ सिर्फ याद रखिएगा, जब हम इस एंड्रॉयड को फोल्डर को डिलीट कर देंगे और दोबारा ऐड करेंगे, तो प्लीज़ इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा कि उसने इस चीज़ को यहाँ से पिकअप किया, और मोस्ट प्रोबेबली वो यहीं से ही पिकअप करेगा। यहाँ पे आते हैं, ये ऐड हो गई है, मैं इसको क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इसकी रनिंग अभी हमारी ऐप रन हो रही है, उस तरफ से हमें कोई इशू नहीं है, ये क्योंकि इसमें बटन नहीं है तो इस वजह से। और ये ओके, मैं अब इसको अनइंस्टॉल करूंगा, क्योंकि ये अब मुझे यहाँ पे इरिटेट कर रही है। अनइंस्टॉल, क्योंकि अब इसको यहाँ पर हो जाना चाहिए था, हमने यहाँ पे इस मेन ऐप को ही नेम को यहाँ पे चेंज कर दिया ये, और इसको भी मैं यहाँ से क्लोज करके दोबारा ओपन करूँगा, जस्ट इन केस कि अगर वो किसी वजह से कैशे में से उठा रहा है कैसे, जैसे भी। एन पी एम रन कैप ओपन एंड्रॉयड, ये हमारी कमांड है। यहाँ पे मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे वेट करूँगा, फाइल इंडेक्सिंग ईटीसी सारा ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप चाहें तो इसको बेसिकली देख भी सकते हैं। यहाँ पर आएँ, एक्सएमएल में आएँ, और सॉरी वैल्यूज़ में आएँ, स्ट्रिंग्स में आएँ, और ये ओके है। उसके अलावा एक और जो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इसमें होती है, जावा नहीं, सॉरी मेन एक्टिविटी नहीं, ये वाली एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, ये फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम परमिशंस वगैरह मेंशन करते हैं, उसके अलावा और चीज़ों को मेंशन करते हैं जो कि डीप लिंकिंग के लिए काम आती हैं। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, होपफुली ये इस दफ़ा नाम को प्रॉपरली पिकअप करेगी। अब ये ऑब्वियसली फिर शुरू से इसका जो एपीके है वो बनाएगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा और शुरू से इंस्टॉल करेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और इसको भी क्लोज कर दूंगा, यहाँ पर वापस आ जाएंगे और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बिल्ड में देखते हैं, बिल्ड में क्या हो रहा है। ओके, ये सारी यहाँ पे बिल्ड अभी चल रही है सारा। वंस अगेन हमें हर एक चीज़ की यहाँ पे रेड की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेन अगर बिल्ड चल रही है तो ओके हमारा काम। अगर मेन बिल्ड फेल्ड होती है तब हमें मसले की हो सकता है, कोई मसला उसको जिसको रिजोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। लेकिन अगर मेन बिल पास हो जाती है तो फिर हमारा कोई मसला नहीं, हमारा काम एटलीस्ट चल रहा है। ओके, ये लॉन्च कर रहा है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे इंस्टॉल करेगा, लॉन्चिंग ऑन डिवाइस। ओके, इंस्टॉल्ड हो गई है ये न्यूज़पेपर, इसको मैं यहाँ से पकड़ के ख़त्म कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे बटन्स हैं, ओके मैं इस बटन को प्रेस कर लूँगा, ये ज़रा इजी है मेरे लिए। ओके, आप भी आएंगे और अब की बार आप देख सकते हैं कि ये नाम सही हो गया, तो अन इंस्टॉल करके नहीं इंस्टॉल करना पड़ा, लेकिन एटलीस्ट हमारा नाम सही हो गया। और इसी के साथ हम इस वीडियो को फाइनलाइज करते हैं।
और इस वीडियो में आपने मेनली ये सीखा है कि हम कैपेसिटर जेएस को यूज करते हुए अपनी एक प्रॉपर एंड्रॉयड ऐप कैसे बना सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने कैपेसिटर जेएस और रिएक्ट जेएस की, जो हमने लास्ट टाइम ऐप बनाई थी न्यूज़पेपर ऐप, उसमें कैपेसिटर जेएस को यूज करते हुए ये एंड्रॉयड की ऐप बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये फुल बेसिकली हाइब्रिड ऐप है, नेटिव ऐप नहीं है। दो किस्म की ऐप्स होती हैं, नेटिव और हाइब्रिड। ये हाइब्रिड ऐप है, ओके, लेकिन ये फुल नेटिव फील देगी। इसमें आपको जो भी चीज़ें परफॉर्मेंस ETC बहुत आपको अच्छी मिलेगी। आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपने अकाउंट के साथ लॉग इन करते हैं, जो हमारा अकाउंट था, और इसके साथ सबमिट करते हैं। जो जो हमने यहाँ पे चीज़ें की हुई हैं, आप देख सकते हैं हर एक चीज़ यहाँ पर हमारे पास प्रॉपरली काम कर रही है, सही तरह नज़र आ रही है। और क्योंकि हमने अपनी ऐप की जो लेआउट थी उसको फुली रिस्पॉन्सिव बनाया था, तो वो चीज़ भी हमारी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, ओके। तो ये हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, जिसमें कि हमने एक प्रॉपर जो एंड्रॉयड ऐप है उसको बनाया। और अगर मैं यहाँ पर इस बटन को क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये इसके ब्राउजर को भी ओपन कर रही है। इसलिए हमने जो कैपेसिटर की ब्राउजर API थी उसको इस वजह से यूज किया था। मैं इसको अनचेक करूंगा, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यूज करूंगा, नो थैंक्स करूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने उस लिंक को प्रॉपरली इसमें अपडेट कर लिया, ओपन कर लिया, और क्लोज करने पर वो वापस भी आता है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोंस। लास्ट वीडियो में हमने अपने न्यूज़पेपर ऐप की एंड्रॉयड ऐप को डेवलप किया था और उसको बेसिकली यहां पर टेस्ट भी किया था अपने एमुलेटर में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और इस एंड्रॉयड ऐप का एक APK बनाएंगे, जो कि आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे और इस एंड्रॉयड ऐप का एक ABB फाइल बनाएंगे, जो कि हमें एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर रिलीज करने के लिए, पब्लिश करने के लिए ज़रूरी होता है, रिक्वायर होता है, और उसको यूज़ करते हुए हम इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर रिलीज करेंगे। ये हम करेंगे इस सीरीज में। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यहां से ये जो पैनल है ना, इसको गायब कर दूं। ये जो वेब वर्जन है उसमें तो ओके है, लेकिन यहां पर ये बहुत ज़्यादा जगह रिक्वायर कर लेता है। तो हम यहां पे कोड में आएंगे और यहां पे अब मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाऊंगा, जो कि आपको बेसिकली बताएगी कि आप कैसे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोडिंग कर सकते हैं। हमें इसको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर एक बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन लगाएंगे, जो कि ये चेक करेगी कि अगर तो ये वेब ऐप है बेसिकली। मैं यहाँ पे ब्राउजर में आ जाता हूँ और यहाँ पर ये जो हमने डिप्लॉयड की हुई, इसका डिप्लॉयड वर्जन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका डिप्लॉयड वर्जन है। मैं चाहता हूँ कि ये जो पैनल है यहाँ पर शो होता रहे, लेकिन ये जो इसका बंडल्ड वर्जन है, जो इसका एंड्रॉयड ऐप है, इसमें ये पैनल शो ना हो। तो ये एक बड़ा स्पेसिफिक केस सिनेरियो है, इसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे आता हूँ, इसको कवर करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पर एक चीज़ इंपोर्ट करनी है कैपेसिटर में से, उसके ऐप के पैकेज में से, जो कि है बेसिकली यहाँ पर ओके। एक तो बेसिकली ये ऐप है, उसके बाद कैपेसिटर कोर, और उसमें से प्लेटफॉर्म गेट इस जस्ट वन मिनट।
इस चीज को चेक करने के लिए कि हम बेसिकली किस प्लेटफॉर्म पे हैं, वेब है, एंड्रॉइड है या आईओएस है, कैपेसिटर हमें एक बड़ी हेल्पफुल एपीआई देता है जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं एट कैपेसिटर कोर में से। यहाँ पे आएंगे और कैपेसिटर को एक्सेस करेंगे, और पहले ये यहाँ पर नहीं, डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर बेसिकली मैं इसे कर लूँगा कॉन्स्ट। आप चाहें तो इसके हेल्पर्स बना सकते हैं, मैं इसका हेल्पर ही बना लेता हूँ बजाय इसके कि यहाँ पे करने के कॉन्स्टेंट्स, और उसमें आ जाएगा कैपेसिटर से एपीए, कैपेसिटर एपीआईस इंडेक्स डॉट टीएक्स, इसको यहाँ से कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज कैब एंड्रॉयड डॉट गेट प्लेटफॉर्म, ओके। और यहाँ पे अगर आप होवर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये तीन चीज़ें दे रहा है, और ऑब्वियसली आप बाकी सब कुछ देख सकते हैं कि इसमें से आपको क्या क्या मिल रहा है, नेटिव प्लेटफॉर्म ये वगैरह, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, और आप यहाँ पे एड लिसनर लगा के और भी काम कर सकते हैं, खैर जो कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में से भी स्टडी कर सकते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो चैनल पर भी आप पूछ सकते हैं। iOS वैसे अभी iOS की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ऐड कर देता हूँ सब कर रहा हूँ, तो वेब और लास्टली वेब। होपफुली आपने गैस कर लिया होगा ये बेसिकली बंडल्ड ऐप एंड्रॉयड है, बंडल्ड iOS है और वेब वर्जन है। और यहाँ पे हम एक ये चीज़ कह सकते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज कैप मोबाइल ऐप। होपफुली आपने गैस कर लिया होगा, बहुत आसान तरीका हो सकता है, यहाँ तो इसको कह दें नॉट ये, या फिर दूसरा तरीका ये हो, या फिर और ये, मैं अभी इसके साथ जा रहा हूँ। इसमें से मुझे ये अभी सिर्फ चाहिए, या फिर ये नहीं चाहिए बल्कि मुझे ये चाहिए, और बेसिकली मुझे स्पेसिफिकली वेब चाहिए क्योंकि मैंने वेब पे अलाउ करना है। इसको ये करूँगा यहाँ पर, अगर ये है तो इसको करें, अदरवाइज ना करूँ ये। और इसी के साथ अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, बैकएंड को रन करते हैं, फ्रंट एंड को रन करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर लोकल होस्ट, यहाँ पे बेसिकली मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, इसे ख़त्म कर देंगे, और ये यहाँ पर है। यहाँ पे मैं आपको इसको बेसिकली कट करके दिखा देता हूँ, जो रिवर्स चेक है यहाँ से आप देख सकते हैं गायब हो गया, रिफ्रेश करने पर भी नहीं आ रहा, तो वो हमारा काम कर रहा है, मुझे ये चाहिए वेब पे, इसको रहने देंगे, ये वापस आ गया। अब मुझे सिर्फ इस ऐप को बंडल करना है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, बस इतना ही काम था इसका, इसको बंडल करेंगे। जैसे ही ये बंडल हो जाएगी तो इसको हम फिर कॉपी करेंगे यहाँ पे एंड्रॉयड में। उसके लिए होपफुली आपको याद होगा, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, ये हमने कॉपी की कमांड ऐड की थी, इसको करेंगे। ये कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पैकेजेस को अपडेट करती है, पैकेज हमने कोई खासा ऐड नहीं किया नया, बंडल हमारा मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट होने वाला है। कॉपी की कमांड को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर आए, इसको रन किया, इसने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे अभी मैं आपको एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि अभी ये चीज़ यहाँ पर आएगी। रीस्टार्ट किया और हो सकता है कि वो रिमूव हो जाए क्योंकि ये बेसिकली कॉपी की कमांड कम्प्लीट हो चुकी है। ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर देखते हैं, जी वो रिमूव हो चुका है क्योंकि वो कॉपी कंप्लीट हो चुका था। खैर हमारा जो एंड रिजल्ट था वो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अब हम इसकी एपीके फाइल बनाएंगे। इस ऐप की एपीके फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में आऊंगा, इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा, इसका काम खत्म हो गया। बिल्ड में आएंगे और यहाँ पर जनरेट साइंड बंडल और एपीके इस पर क्लिक करेंगे, इस पे बाद में जाएंगे, एपीके पे अभी क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट आऊंगा। यहाँ पे अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमें की स्टोर की फाइल चाहिए जो कि हमने यूज करनी है इस ऐप को साइन करने के लिए। मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, सबसे पहले उसका पाथ डिफाइन कर देंगे, मैं यहाँ पे एक पाथ चूज करूंगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने ये पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूंगा, आप अपनी मर्जी का एक सीक्रेट सा पासवर्ड यहाँ पे लिख लें, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी का एक सीक्रेट सा पासवर्ड लिख लूंगा। यहाँ पर एलियस एड कर लें, वंस अगेन पासवर्ड ऐड कर लें, उसी पासवर्ड को रिपीट कर लें,
यहाँ पे इसको 25 ईयर रहने दें, डिटेल्स ऐड कर लें, यहाँ पर डेवलपमेंट यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन ज़ायोंस है, सिटी लाहौर है, प्रोविंस पंजाब है, और यहाँ पे पीके आ जाएगा आप अपनी कंट्री का कोड। ओके करेंगे, सारी डिटेल सही होगी तो ये हो जाएगा, इसको रिमेंबर कर लें, नेक्स्ट कर लें, रिलीज पे क्लिक करें, क्रिएट करें। ये बेसिकली इसकी एक बंडल्ड साइंड एपीके फाइल रिलीज मोड में क्रिएट कर देगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा ये पूरी चीज़ों को करके फाइनलाइज, तो यहाँ पे हमें एक फाइल बना कर दे देगा, हम इसका वेट करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, पहली दफ़ा इसने काफ़ी टाइम लिया है, मैंने यहाँ पे बिल में आके देखा तो ये काफ़ी चीज़ों को डाउनलोड कर रहा था। उसके बाद ये बेसिकली कुछ पूछ रहा है, ओके एक्सटर्नल फाइल व्यू फाइल्स क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, ओके बिन दिस दैट, ओके इसको ऑलवेज ऐड पे कर लो, ऐड दैट्स इट, नेक्स्ट टाइम आएगा तो ऑलवेज ऐड पे कर दें। खैर अब अगर इसको मैं रिपीट करूंगा तो इस दफ़ा ये जो डाउनलोड करने वाला काम है ना वो नहीं करेगा, तो इस दफ़ा आप देखेंगे कि ये काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट हो भी चुका है, लास्ट टाइम इसने काफ़ी टाइम लिया था। यहाँ पे लोकेट पे क्लिक करेंगे, ये मुझे इस फाइल पे ले जाएगा एग्जैक्टली जो कि एपीके फाइल इसने बनाई है, इसकी बंडल्ड एपीके फाइल। ये आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वो अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेगा, ऑब्वियसली उसको वार्निंग आएगी कि आप इस डेवलपर को ट्रस्ट करते हैं, ईटीसी वगैरह कंफर्म करेगा तो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी और चलने लग पड़ेगी। और इसका साइज आप देख सकते हैं काफी कम है, हम इसका कर देते हैं न्यूज पेपर ऐप सॉरी एंड्रॉयड ऐप सॉरी V1। और ये हमने कब निकाली है, 26/24, इसे सेव करते हैं। एपीके आ रहा है अभी भी इसके साथ नहीं है, एपीके गायब हो गया, इसको ये करते हैं कंट्रोल सी, ये और एपीके साथ ही रहने देते हैं क्योंकि एपीके ज़रूरत ही है। और मैं इसको यहाँ पे लार्ज करता हूँ पूरा, और इस फोल्डर में से बाहर आते हैं, और यहाँ पर मैं इसको एक फोल्डर बना लेता हूँ बंडल्ड ऐप, बंडल्ड एंड्रॉयड ऐप, ओके इसमें रखते हैं और इसको जिप कर देते हैं। ऐसे इसका साइज क्या है, 5.4, लेट्स सी जिप करने के बाद इसका साइज कम होता है कि नहीं, 5, खैर थोड़ा बहुत तो कम हुआ। वैसे मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जिप ना ही करें, क्योंकि फिर जो डाउनलोड करेगा उसको अनजिप भी करनी पड़ेगी, तो वैसे ही रहना था। ओके ये सिर्फ यहाँ पे इस वजह से ऐड कर लिया ताकि जो इसको कॉपी करे उसके लिए आसानी हो, अगर उसने टेस्ट करना हो तो। नेक्स्ट अब हम इसकी ABD फाइल बनाएंगे। इस ऐप की AAB फाइल बनाने के लिए हम यहीं पे आएंगे और इस दफा फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एंड्रॉयड ऐप बंडल, बेसिकली AAB फाइल जो कि हम अपलोड करते हैं। इसका थोड़ा सा जो होता है अपलोड करने के लिए रिकमेंडेड होती है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे यही रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे, रिलीज रहने देंगे, क्रिएट करेंगे। वंस अगेन इस दफ़ा इसने डाउनलोडिंग कुछ नहीं करनी, क्रिएट भी हो गई है, लोकेट करेंगे और यहाँ पर ये आप देखेंगे कि इसका साइज थोड़ा सा इससे कम है, इसका जो साइज है थोड़ा सा ज़्यादा। खैर ये फाइल हम अपलोड करेंगे, ये फाइल अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे, प्ले स्टोर में एक ऐप क्रिएट करेंगे और वहां पे इस फाइल को अपलोड करेंगे। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा, हमने ये सीखा कि हम किस तरह कैपेसिटर को यूज करते हुए प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड लिख सकते हैं, मीन कि हम इस तरह की कंडीशंस अपने कोड में लगा सकते हैं कि जो कोड हम चाहते हैं जो स्पेसिफिकली वेब पे रन हो, एंड्रॉयड पे रन हो या iOS पे रन हो, हम इस प्लेटफॉर्म की API को यूज करते हुए, इसके API फंक्शन को यूज करते हुए हम ये काम को अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ये देखा कि हम अपनी ऐप की जो APK फाइल और AAB फाइल ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इन फाइल्स को हम गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले कंसोल में, वहां पर एक ऐप क्रिएट करेंगे और इस AAB फाइल को वहां पर
अपलोड करेंगे और उसके बाद हम उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करेंगे और अपनी ऐप को प्रोडक्शन रिलीज के लिए सबमिट करवाएंगे। ये काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel. अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। लास्ट वीडियो में हमने अपने एंड्रॉयड ऐप की APK फाइल और AAB फाइल बनाई थी। इस वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और अपनी न्यूज़पेपर ऐप की जो AAB फाइल है इसको हम गूगल प्ले कंसोल में अपलोड करेंगे, एक न्यू ऐप वहां पे बनाएंगे और उसमें इस फाइल को अपलोड करेंगे और उसके बाद उसका जो रिमेनिंग प्रोसीजर होता है, जो भी बेसिकली उसके स्टेप्स होते हैं, उन सबको फॉलो करेंगे और अपनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर प्रोडक्शन रिलीज में सबमिट करवाएंगे और अगर कोई मसला आएगा तो उसको भी रिजोल्व करेंगे जब उनका रिव्यू आएगा उस पे। खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहां पे ब्राउजर में आ जाऊंगा और यहां पे अपने अकाउंट में आ जाऊंगा। आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लें, मैं यहाँ पे अपने अकाउंट में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट ऐप पे क्लिक करूंगा और ये मुझे ऐप क्रिएशन स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर देगी। यहाँ पे मैं ऐप का नाम लिखूंगा जो कि होगा न्यूज़पेपर और लेट्स से मैं एंड पे ज़ायंस लिख देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लेट्स से कि सिर्फ एक फील ऐड करने के लिए। ये एक ऐप है, फ्री है, ये बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ इसको अपने ज़रा देख के करिएगा और इन दोनों को चेक कर देंगे, क्रिएट ऐप करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे ये आपको जो ऐप को क्रिएट कर देगा और उसके पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा जो न्यूली क्रिएटेड ऐप हुई है। यहाँ पे अब हमें ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। बेसिकली हमें इसकी डिटेल ऐड करनी पड़ेगी, इमेजेस, ETC और उसके अलावा बहुत ज्यादा और डिटेल इनको रिक्वायर होती है। वो सारी डिटेल जब हम ऐड करेंगे उसके बाद ही हम इसको प्रोडक्शन रिलीज के लिए सबमिट कर सकते हैं। उससे पहले हम इसको प्रोडक्शन रिलीज के लिए सबमिट नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं है। तो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पहले हमने जो AAB फाइल बनाई थी उसको यहां पर अपलोड करेंगे। मैं यहां पे स्क्रॉल डाउन करूंगा और आपके पास यहां पर एक साइड बार में लिंक होता है, ये ऐप बंडल एक्सप्लोरर, और यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे बेसिकली हमें एक रिलीज क्रिएट करनी पड़ती है, उसमें आता है तो उसके लिए यहाँ पे प्रोडक्शन में आते हैं, यहाँ पे क्रिएट रिलीज करते हैं और यहाँ पे ये बेसिकली चूज अ साइनिंग, इसको गूगल ऑटो जनरेटेड पे कर देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ये कम्प्लीट हो जाएगा फिर हमारा ये बेसिकली ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, अभी ये डिसेबल्ड है। तब तक के लिए मैं बाकी चीज़ें कर लेता हूँ। न्यूज़ पेपर वो हो गया V1, इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और अपलोड, यहाँ पे मैं इसमें आऊँगा और इसका नाम यहाँ पे चेंज कर दूँगा। बेसिकली ये हम करते हैं तो ये एंड पे ये भी कर लेता है, इसको ये कर लेंगे और ये कर लेंगे और एंड पे मैं सिर्फ थोड़ी सी कह लें कि एक SU info ऐड कर लूँगा जो कि मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। और यहाँ पे वापस आएंगे, ये अपलोड अपडेट हो चुका है, इसको डबल क्लिक करेंगे, ये अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका वेट करेंगे जब तक ये हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, दैट्स इट। और डैशबोर्ड को नेम में ओपन कर लेंगे क्योंकि डैशबोर्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमें कंप्लीट करनी है, जब तक वो कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम इस ऐप का कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारा स्टार्ट टेस्टिंग नाउ, गेट सेटअप योर ऐप, रिलीज योर ऐप, ETC, ये सारी चीज़ें हमें कम्प्लीट करनी है। इसको एक्सपेंड करते हैं, ये क्या कह रहा है, टेस्टर्स ऐड करनी है, ये करना है। तो नेक्स्ट हम पहले इस स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ये अपलोड हो चुकी है नेक्स्ट, और इसको बेसिकली यहाँ पे तीन एरर, ये क्या कह रहा है, हाँ ये सारी वो लिस्टिंग वगैरह का कह रहा है, दैट्स इट। ये काम हमारा हो गया, इसको यहाँ पे डैशबोर्ड में वापस आ जाइए यहीं पे। और नेक्स्ट अब हम पहले इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे जो हमारे बेसिकली
ये है रिलीज इंटरनल विदाउट रिव्यू। इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और लेट से कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे एक फीडबैक यूआरएल चाहिए इनको, तो वो हम कह देंगे लेट से sport@zions.com और सेव। इसी के साथ ये सेव हो जाएगा। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। एक नई रिलीज क्रिएट करेंगे और ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी हमने अपलोड कर चुके हैं, तो लाइब्रेरी से ऐड करेंगे। ये यहीं रहने देंगे। नेक्स्ट, और इसकी वार्निंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेव एंड पब्लिश, सेव एंड पब्लिश। और इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया। वापस डैशबोर्ड में आएंगे, देखेंगे वो स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, अब हमने ये वाला काम करना है। ये काम सबसे लंबा काम है, तो ये हम कुछ कह लें कि स्टेप कुछ वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये पहले वाला कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये ज़रा लंबा काम है। हमें प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको कहीं पे होस्ट करना पड़ेगा और उसका लिंक फिर हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम इसको फाइनलाइज करने के बाद, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली कंटिन्यू करेंगे और बाकी चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ये काफ़ी डिटेल मांगते हैं और बीच में अगर कुछ डिटेल गलत हो जाए तो मसले आते हैं, ऐप रिजेक्ट हो जाती है, फिर रिव्यू करना पड़ता है। तो ये काम प्लीज़ ज़रा तसल्ली से करिएगा, देख कर कन्फर्म करके एक दफ़ा सबमिट करिएगा, क्योंकि अगर आप बार बार गलत डिटेल देंगे तो आपकी ऐप को, इवन के अकाउंट को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो प्लीज़ तसल्ली से ये काम करिएगा, जल्दबाजी ना करिएगा। कंटिन्यू करते हैं और हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बनाते हैं अपनी ऐप के लिए। ये क्योंकि हमारी एक टेस्ट ऐप है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल जो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर होता है उसको यूज़ करूंगा। लेकिन प्लीज़ आप अपनी ऐप के लिए और या कोई भी क्लाइंट की ऐप के लिए भी जो एक प्रॉपर ऐप है जो मैटर करती है, उसके लिए प्रॉपर प्राइवेसी जो पॉलिसी होती है वो किसी लॉयर से बनवाएं, किसी एक अथेंटिक रिसोर्स से लें, ना कि फ्री ऑनलाइन उठा लें, उसमें मसले आ सकते हैं। अभी के लिए हम सिंपल यहाँ पर फ्री प्राइवेसी जनरेटर इसको यूज़ करेंगे। कोई भी आप यूज़ कर लें, मैं फर्स्ट सर्च रिजल्ट में जो आ रहा है वो यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ जो काम करता हो। हमारी ऐप है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, इसीलिए आप कोई एक बेसिकली अगर आपको अच्छा रिसोर्स मिल जाए तो फिर उसको सेव भी कर लें। मेरे पास भी कोई इसके लिए इतना ऐसा अच्छा रिसोर्स नहीं था, तो इस वजह से मैं कोई भी एक यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे ऑनलाइन मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा इसके लिए कोई एक अच्छा रिसोर्स ढूंढ के वो आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा, ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके। यहाँ पर अगर ये काम कर देता तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। मैं तब तक नया सर्च करूंगा कुछ और, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। ऐप है, कंटिन्यू। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ओके, ओके, ऐप का नाम है न्यूज़पेपर। हम इंडिविजुअल हैं, हम अभी के लिए पाकिस्तान में से हैं। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस, ये वो ये सारा कर दें ताकि आप भी जान सकूँ मेरे। अच्छा, sport@zions.com, https://zions.com, फ़ोन नंबर और सेंडिंग अ मेल। सॉरी, पहले वाला क्या था, मेल ही था। ओ, एड्रेस, नेक्स्ट, यस आई वॉन्ट टू ऐड दिस। जो भी पेड है उसको ना कर दें, जो फ्री है उसको हाँ कर दें। यही, अगर आप कोई पेड ऑप्शन भी लेना चाहते हैं तो ले लें, वो बाद में मेरे साथ भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं, जनरेट करते हैं। ओके, इसको ईमेल चाहिए। मैं यहाँ पे एक सिंपल सी ईमेल यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे इसको ओपन भी कर लेंगे।
ओपन, ये आ गया। ओके, डाउनलोड योर एग्रीमेंट दिस एंड दैट। यहाँ पे होपफुली शायद इसने ओपन कर दिया हो, नहीं किया तो यहाँ पे डाउनलोड योर एग्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, शायद यहाँ पे कर दे। ये दोनों सेम ही लिंक है तो कोई एक बस लोड हो जाए, बस यहाँ पे इसको लोड होने देते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी मैंने क्रिएट कर ली है, उसको डिप्लॉय वगैरह सारा काम कर लिया है। ये यूआरएल मैंने एक बना दी है जहाँ पे के जो प्राइवेसी पॉलिसी उससे जनरेट हुई थी उसको मैंने यहाँ पे होस्ट कर दिया। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं और इसको एक दफ़ा इसको क्लोज ही कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, सेट करते हैं और यहाँ पे ये यूआरएल सेट कर देते हैं सेव। ये बेसिकली सिर्फ चेक करेगा कि ओके है कि नहीं और उसके बाद ये सेट कर देगा। वापस डैशबोर्ड में आए और ये काम सेट हो गया। अभी के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट बाकी ये जो इसके काम है हम नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने देनी है, बीच में फॉर्म्स आएंगे और भी काफ़ी कुछ ये पूछेगा, और हमने अभी स्टोर लिस्टिंग को भी सेटअप करना है, आइकॉन ETC वगैरह को, तो वो हम काम यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सीरीज से फायदा हासिल कर सकें, रिएक्ट जेएस की डेवलपमेंट सीख सकें, लारावेल की डेवलपमेंट सीख सकें, ये सीख सकें कि एक हाइब्रिड एंड्रॉयड ऐप कैसे बना सकते हैं और ये भी सीख सकें कि उसको बाद में पब्लिश कैसे कर सकते हैं। इस सीरीज में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मेहनत की गई है, तो प्लीज इस टास्क को जरूर कंप्लीट करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि यस सर आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं असद महमूद एंड वेलकम टू ज़ायन। लास्ट वीडियो में हमने न्यूज़पेपर ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर रिलीज करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था और काफी ज्यादा चीजों को कंप्लीट भी कर दिया था। इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और इस प्रोसेस से आगे मूव ऑन करेंगे, जिसमें कि हम जितनी हो सकेगा यहाँ पे डिटेल को प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जो बाकी चीजें रह जाएंगी उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, बेसिकली इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा ताकि इजी रहे, यहाँ पर आप उस पर क्लिक भी कर सकते थे क्योंकि बाद में वापस आना। खैर, और ऐप एक्सेस के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि हमारी ऐप में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन है तो उसको करेंगे और अलाउ एंड्रॉयड ऐप टू यूज डैश। ओके, ये चेक रहने देंगे, ईमेल एंड पासवर्ड बेस ऑथ, यूज़र नेम हमारा जो टेस्ट यूज़र है, अगर आप चाहें तो आप लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, और जो टेस्ट पासवर्ड है वो ये है, सिंपल। ओके, ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, ऐड और सेव, नॉट नाउ, ये बेसिकली बार बार मुझे वहां से लेके जाएगा। अब एक आसान तरीका ये है, दो तरीके हैं, आप यहाँ पे जाके यहाँ से स्टेप्स पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा यहाँ पे ऐप कॉन्टेक्स्ट पे आ सकते हैं और जो पॉइंट्स रह गए हैं वो यहाँ पे आपको शो करता जाएगा। तो मैं आप ये वाला तरीका फॉलो करूंगा क्योंकि मुझे नॉर्मल जो मेरा तरीका कार है मैं यहाँ पे करता हूँ, मुझे पता रहता है ओके कितने रह गए, नो एक्शन रह गए। नेक्स्ट हम एड्स के स्टेप को खत्म करेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्टार्ट डिक्लेरेशन, मेरी ऐप अभी कोई एड्स क्रिएट नहीं कंसिस्ट नहीं करती और दैट्स इट, नो पे क्लिक कर देंगे, वापस यहीं पे आ जाएंगे और नेक्स्ट हम इस पे कंटिन्यू करेंगे कंटेंट रेटिंग वाले पार्ट में।
यहाँ पे मैं स्टार्ट डिक्लेरेशन पे क्लिक करूंगा, क्वेश्चन ईयर पे करूंगा, क्योंकि ये बेसिकली एक न्यूज ऐप है, इसमें किसी भी तरह की न्यूज आ सकती है, कोई पता नहीं। तो इस वजह से हम जो कैटेगरी है उसको जरा ब्रॉड सॉरी ऊपर रखेंगे ताकि मसला ना हो। ऑल एप्स टाइप, ओके यहाँ पे पढ़ लेंगे, इसमें से कुछ नहीं है। नेक्स्ट, डाउनलोडेड ऐप नो, यूजर कंटेंट शेयरिंग नो, ऑनलाइन कंटेंट यस, ये देखें न्यूज आर्टिकल तो यस, ओके नो नो, ये सारा कुछ नहीं रहेगा। अच्छा ये यस बनता है क्योंकि ये बेसिकली न्यूज पे है। नहीं, एक दफा फिर इसको कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि पहले जो मैं एप्स बनाता था वो काफी सिंपल थी, ये न्यूज़पेपर ऐप है तो इसमें जरा मसला हो सकता है। नहीं, परचेज नहीं करना, नहीं ये भी नहीं, अभी हम पूछ रहे, शेयर नहीं कर रहे, नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, नहीं 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 और नहीं, बस ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट, ये चीज़ है, इसने बेसिकली ऑल एजेस ये वगैरह और ये, ओके वापस आते हैं। नेक्स्ट इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे इसे स्टार्ट करूँगा और जैसे मैंने कहा क्योंकि न्यूज ऐप है तो मैं इसको जरा ब्रॉडली रखूंगा ताकि मसला कम से कम ही रहे। जितने बेसिकली कम उम्र बच्चों को हम एक्सेस करने की कोशिश करें उतना मसला ज्यादा होता है, तो इस वजह से अपनी आसानी के लिए। सेव नो करेंगे, वापस आ जाएंगे। बेसिकली वैसे बेहतर यही था क्योंकि ये न्यूज़ ऐप है, इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें कह लें कि इसको और ज़्यादा कर देते हैं, यस कर देते हैं, व्हाट्सएवर, बेहतर यही है कि सेफ खेलो क्योंकि हमारी ये एक टेस्ट ऐप है, हमें बिला वजह इस तरह का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है जो मसला करें। नेक्स्ट इससे को करते हैं, मैं इसे स्टार्ट करूंगा और यस हमारी न्यूज़ ऐप है, प्लीज़ प्रोवाइड अच्छा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू हेल्प अस वेरीफाई योर क्रेडेंशियल्स एज अ न्यूज़ पब्लिशर, एक्सप्लेन हाउ, ओके आई एम यूजिंग ऑनलाइन न्यूज एक थी डेवलपर एन वाई टाइम्स, ये बेसिकली मुझे इसका नाम भूल गया, ओके ये सेव करते हैं, होपफुली ये मान लेंगे, अगर नहीं मानेंगे ऑब्वियसली हमें इसे अपडेट करना पड़ेगा, हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि नहीं हम यही करते हैं, उनका स्टोर है। नेक्स्ट इसको कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, ओके ये अब क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं था। डज योर ऐप कलेक्ट शेयर एंड यूजर, ओके कलेक्ट क्योंकि हम करते हैं, इज आर कलेक्टेड यस, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम एंड अदर, यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड अदर ऑथेंटिकेशन, ओके डाटा। अब वंस अगेन हमें यहाँ पे एक यूआरएल चाहिए जहाँ पे यूजर बेसिकली कह सकता है कि ओके अगर मैंने डिलीट करवाना है अपना डाटा तो वो कैसे होगा, तो मैं एक लिंक बनाऊंगा और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आप भी अपना एक लिंक बना लें, आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ओके हमें ईमेल करो फिर हम आपका डाटा डिलीट कर देंगे, व्हाटसएवर कुछ एक लिख के यूजर को बताना, लेकिन ये रिक्वायर्ड।
मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा ये एक बनाया, आप अगर देखना चाहें तो इसको देख भी सकते हैं विजिट करके। ये बहुत ही बेसिक सा मैंने एक डाटा डिलीशन का कह लें कि पेज बनाया, वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ओके अगर आपने डाटा डिलीट करवाना है तो हमें ईमेल करें विद एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट और हम 3 दिनों के अंदर आपका डाटा डिलीट कर देंगे। ऑब्वियसली हमें प्रोसेसिंग के लिए टाइम चाहिए। ये एक डेमो ऐप है तो फुली इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन गूगल की रिक्वायरमेंट है तो करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये हमारा हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे प्रोवाइडिंग दिस फंक्शनैलिटी गिव्स यूजर। यस ओके ओके दैट्स इट। नेक्स्ट, अच्छा हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आते हैं। हम नेम सिर्फ ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, यूजर आईडी जो हमारे अपने लिए है, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद और कुछ भी नहीं चाहिए वैसे ना, और ना ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। इसमें बताना पड़ता है कि ओके क्या चीज़ है क्या नहीं है। नहीं, इसका बेसिकली मतलब होता है, इसको आप सर्च कर सकते हैं, किसी चीज़ का ना समझ आए क्योंकि मैंने इसको पहले सर्च किया हुआ है, तो इस वजह से इसका मतलब होता है कि ओके सिर्फ मेमोरी में लाया और उसके बाद यूज़ नहीं हुआ, लेकिन हम क्योंकि डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं इस वजह से ये कि नहीं भाई हमने स्टोर कर लिया इसको, डाटा कलेक्टेड नाम है, हम डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं इस वजह से। ऐप फंक्शनैलिटी सिंपल ऐप फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट, और किसी काम के लिए। इसको भी तीनों काम हमारे सिर्फ एक ही, हम एक ही काम कर रहे हैं, उनको स्टोर कर रहे हैं क्योंकि हमारी ऐप की फंक्शनैलिटी है, दैट्स इट, और कोई भी हम उसके साथ और कुछ काम नहीं कर रहे। एनालिटिक्स वगैरह कुछ भी नहीं है ऐप में, तो होपफुली इसका मसला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, और ये ख़त्म हो गया। ऐप कॉन्टेक्स्ट में वापस आते हैं और नेक्स्ट अब हम इसको करेंगे। इसे मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, और अभी कुछ भी एडवर्टाइजिंग के लिए नहीं है, बस इतना ही था। जब चीज़ें होती हैं तब ज़्यादा मसला आता है, ना हो तो कोई मसला नहीं। नेक्स्ट इसको करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, और गवर्नमेंट ऐप नहीं है, सेफ। वंस अगेन अगर चीज़ें ना हो तो बहुत आसानी है, चीज़ें जितनी ज़्यादा होती हैं उतना ज़्यादा मसला बढ़ जाता है। दो सिर्फ रह गए हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, होपफुली आपने गैस कर लिया होगा, हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे तो आसान था हमारे लिए, अगर आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ऑब्वियसली उसको डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, गूगल को बताना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा काम। नेक्स्ट इसको करते हैं और होपफुली हमारा काम खत्म। स्टार्ट करते हैं, हमारी ऐप हेल्थ ऐप भी नहीं है तो काफ़ी आसान है। ऐप कॉन्टेक्स्ट, और इसी के साथ हमारा ये हो गया। वापस आते हैं डैशबोर्ड में और देखते हैं कि हमारा ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमने बेसिकली इसकी ऐप कैटेगरी करनी है और उसके बाद स्टोर लिस्टिंग पे कंटिन्यू करना है, तो पहले कैटेगरी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देते हैं, बाद में स्टोर लिस्टिंग पे जाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे, ये हमें प्रॉपर पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, इसको खत्म कर देंगे। ऐप है, सिलेक्ट अ कैटेगरी, इसको एडिट करेंगे। ये है कैटेगरी न्यूज़ है, होपफुली आपने कर लिया होगा। यस, यहाँ से बस ढूंढना काम है, ये रहा। सेव करेंगे और नो कर देंगे। ये बेसिकली बार बार ना हमें वहाँ पे ले जाएगा, मैनेज करेंगे टैग्स। यहाँ पे न्यूज़ का टैग सिर्फ एक ऐड कर दूंगा क्योंकि मैं बेसिकली ओके मैगजीन है, मैगजीन कोई चक्कर नहीं, चलें फिर सर्च कर लेते। ब्लॉग एक किस्म का हो सकता है, ये बिजनेस के रिलेटेड आ सकती है न्यूज़ें। उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक न्यूज़ कहना चाह रहा था, न्यूज़ जहाँ पे लिखा हो ओके ओके ये न्यूज़ है, ये रहा न्यूज़ एंड मैगजीन, न्यूज़ दिस, और उसके बाद प्रोडक्टिविटी लास्ट 5 कर सकते हैं, 5 मैंने कर दी हैं। ये हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फो को करते हैं, कॉन्टैक्ट वही रखते हैं, sport@zions.com, और इसको टी कर देते हैं। फ़ोन नंबर और वेबसाइट, और इस दफ़ा मैं newspaper.a1sn.com दूंगा, और यहाँ इसको नहीं देते, इसको रहने देते हैं, ये दे देते हैं व्हाट।
ओ सॉरी, यहाँ चलें वही दे देते हैं, न्यूज़ पेपर डॉट सेव एंड पब्लिश। नेक्स्ट एडवर्टाइज दिस एंड दैट, ये कंप्लीट हो गया, डैशबोर्ड पे वापस आते हैं। और नेक्स्ट अब जो ये वाला स्टेप है ना, ये थोड़ा टाइम लेगा, तो कंटिन्यू करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और जैसे मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस पे थोड़ा सब्र करना। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक चैट जीपीटी से ले लूँगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डेमो ऐप है, आप चाहें तो खुद लिख सकते हैं, गेट द बेस्ट न्यूज़ इन द वर्ल्ड डायरेक्टली ऑन योर फोन इन फ्यू क्लिक्स। वॉन्ट टू रीड द बेस्ट न्यूज़ इन द वर्ल्ड डायरेक्टली ऑन योर फोन, यू आर एट द राइट प्लेस। यूज आवर ऐप टू रीड द बेस्ट न्यूज़ इन द वर्ल्ड इन जस्ट फ्यू क्लिक्स। ओके, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अब आइकॉन चाहिए 512x512, लकली हमारे पास ये पड़ा हुआ है, तो हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे एसेट्स में, इमेजेस में, इसको यूज़ करूँगा। उसके बाद एक मुझे इमेज चाहिए, ये सारी इमेजेस हम सेव करेंगे ताकि हमारे बाद में काम आती रहे। मैं यहाँ पर आऊँगा और लेट से यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लूँगा, प्ले स्टोर एसेट्स, और इसमें अब मुझे एक ऐप वो आइकॉन चाहिए, ये वाला जो कि मैं यहाँ पे रखूँगा प्ले स्टोर एसेट्स में। सबसे पहले इसको कर दूंगा ये आइकॉन है, उसके बाद मुझे ये चाहिए 1024x500, तो 1024x500 इसको आपने गैस कर लिया होगा, मैं एडजस्ट करूँगा, और इस दफ़ा प्रोपोर्शनली नहीं करूँगा, ये 500 है, ये 1024 है, तो इस वजह से ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन खैर मुझे चाहिए इस तरह का। आप अपने डिज़ाइनर से इमेज ले सकते हैं, मेरे पास डिज़ाइनर नहीं है तो मैं यही करूँगा। उसके बाद अब मुझे एक ये वाली इमेज, बेसिकली एक वीडियो भी चाहिए, इस वीडियो का लिंक मैं बाद में दे दूँगा, अभी के लिए मैं कंटिन्यू करूँगा। मुझे यहाँ पर इमेजेस चाहिए, तो वो इमेजेस यहाँ पे हम न्यूज़पेपर ऐप में आएंगे, इसको ओपन करेंगे मोबाइल में, इसको क्लोज करेंगे, मोबाइल व्यू में जाएंगे, इसको ख़त्म करेंगे, इसको ये करेंगे, यहाँ से मैं किसी एक मोबाइल में आ जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, इसे क्लोज करूँगा, और यहाँ से मैं कहूँगा कैप्चर स्क्रीनशॉट, ये एक स्क्रीनशॉट आ गया, रजिस्टर पे जाएंगे और कैप्चर स्क्रीनशॉट, वापस आएंगे यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे gmail.com, और पासवर्ड टेस्ट भी हो जाएगा कि हमारा वो पासवर्ड चलता है कि नहीं चलता, चलता है जो कि बहुत अच्छी बात है, ये नेवर कर दूंगा क्योंकि ये पासवर्ड मैं सेव नहीं करना चाह रहा, ये पासवर्ड किसी काम का नहीं। इसको लोड होने देंगे, जैसे ये लोड हो जाएगा यहाँ पे कैप्चर करूँगा, ये हो गया, फिल्टर्स को ये करूँगा, ऊपर से उसको ख़त्म होने दूंगा, यहाँ पे कैप्चर करूँगा, ये हो गया, न्यूज़ फीड में आऊँगा, इसको लोड होने दूंगा, जैसे ये लोड हो जाएगा तो इसको कैप्चर कर लूँगा, और कैप्चर लास्टली इस पे आऊँगा, इसको कैप्चर कर लूँगा, और माई अकाउंट में आऊँगा, इसको कैप्चर कर लूँगा, और आई थिंक इसके साथ हमारा काम ख़त्म हो गया, दैट्स इट, इतना ही था बस। ओके, हमारे पास जो इमेजेस आई हैं उसको मैं यहाँ पे मूव कर लूँगा, इमेजेस मूव कर ली हैं, आप चाहें तो इसका बेसिकली इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ पे इन सबको कॉपी करेंगे, ड्रैग ड्रॉप, दैट्स इट। टैबलेट में भी यही यूज़ कर लूँगा, इसमें भी यही यूज़ कर लूँगा, और इसमें मुझे चाहिए, देखते हैं कहाँ पे, खैर जहाँ तक काम हो गया वहाँ पर चलने देंगे, क्रोम वाला बाद में कर लेंगे कभी। सेव करते हैं और वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। कौन से स्टेप, आइकॉन भी अपडेट हो गया और काफ़ी ज़्यादा काम हो गया।
ये जो है ये टेस्टर्स वगैरह हैं, लेट एनी वन साइन अप टू टेस्ट दिस, ये सारा कुछ है बेसिकली टेस्टिंग के लिए। हम डायरेक्ट इस पे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्शन रिलीज है, तो नेक्स्ट अब हम इस पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये काम अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं असद महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। लास्ट वीडियो में हमने अपनी न्यूज़पेपर ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड किया था और उसकी सेटिंग को ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया है। अब हम रेडी हैं कि हम अपनी ऐप को प्रोडक्शन रिलीज के लिए सबमिट करें। इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और अपनी ऐप को प्रोडक्शन रिलीज के लिए सबमिट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे ब्राउजर में आ जाऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। ये स्टेप्स आप चाहें तो कंप्लीट कर लें, बेसिकली इसमें से एक स्टेप जो है ओपन टेस्टिंग के लिए, क्लोज टेस्टिंग के लिए, इंटरनल टेस्टिंग के लिए, प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑल सॉर्ट ऑफ टेस्टिंग के लिए। मैंने वो सारे काम नहीं करने, इस वजह से मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर दूंगा। आप लिटरली इस सबको कंप्लीट कर सकते हैं, इनमें ऐसा जितना टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन हम इस वीडियो को लंबा ना करते हुए इन सबको स्किप करेंगे और मेन जो काम है ये प्रोडक्शन रिलीज, इस पे आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम कंट्रीज और रीजन को सिलेक्ट करेंगे। इस पे क्लिक करूँगा और ऐड कंट्रीज और रीजन और सब कुछ सिलेक्ट कर लूँगा, सेव। और यहाँ पे वापस आ जाएंगे, रिलीज़ हमारे पास पहले ही थी और यहाँ पर एक दफ़ा आके देखेंगे ओके क्या हुआ है। सब में आप देख सकते हैं कंट्री रिलीज वो सब कुछ सेलेक्ट हो गया। ये बेसिकली प्रीव्यू एंड कंफर्म द रिलीज। यहाँ पे आएंगे, एडिट रिलीज में जाएंगे और ये सारा कुछ हमारा पहले ही है, ये कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया, एक वार्निंग रही है जो कि इतनी है, सच हमें मैटर नहीं करती। सेव करेंगे और गो टू रिलीज, ये बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड चेंजेस और सेंड फॉर रिव्यू। ये सारे चेंजेस जितने हमने किए थे सारा कुछ चला गया है रिव्यू के लिए। अब गूगल की टीम बेसिकली इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन रिव्यू स्टेटस है, इसको एक दो दिन लग सकते हैं, तीन दिन लग सकते हैं, हफ्ता लग सकता है, कोई कन्फर्म टाइम नहीं है। कभी कभी वो कुछ घंटों में वापस आ जाते हैं, कभी कभी उनको दिन लग जाते हैं, कभी कभी वीक से ज़्यादा भी लग जाता है। तो पेशन, अदरवाइज आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं अगर आप के पास उनका नंबर है हेडक्वार्टर वगैरह का, यहाँ यूनाइटेड स्टेट वगैरह में है, तो डायरेक्टली उनको कॉल करें, रिक्वेस्ट करें, ईमेल करें, जो भी करना है करें। मैं यहाँ पे वेट करूँगा, जैसे ही इसका रिप्लाई आ जाएगा तो फिर हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ऑब्वियसली वो एक अलहदा वीडियो होगी क्योंकि पता नहीं इसका रिप्लाई कब आएगा, और अगर ये अप्रूव हो जाएगी तो फिर हम उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उसका एक डेमो करेंगे कि ओके हमारी ऐप अप्रूव हो गई है। अगर वो रिजेक्ट हो जाएगी तो हम फिर उसका रीज़न देखेंगे कि ओके किस वजह से रिजेक्ट हुई है, क्या उसकी वजह थी, उसको रिजोल्व करेंगे और ऑब्वियसली फिर सबमिट करेंगे, फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि ओके हमारी, हमने अपडेट कर दी आपकी टर्म्स के मुताबिक, ऐप को अप्रूव कर दें, और उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे अनटिल अनलेस कि हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अप्रूव हो जाए। ये थी आज की वीडियो। जी हाँ, आज की वीडियो ज़रा छोटी थी, लेकिन इसकी वजह ये थी क्योंकि हमने सारे का सारा काम और बाकी जो बचा हुआ काम था वो पिछली दो वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अपनी ऐप को बनाया था, शुरू से बनाया था, उसकी बेसिकली जितनी सेटिंग थी सारा कुछ किया था, AAP फाइल को अपलोड किया था, स्टोर्ड लिस्टिंग को सेटअप किया, हर एक चीज़ को हमने कंप्लीट किया इन वीडियोज़ में, और इसी वजह से आज की हमारी वीडियो शॉर्ट थी क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज को सिलेक्ट किया और ऐप के जो चेंजेस थे उसको रिव्यू के लिए सबमिट कर दिया। खैर, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि हमारी ऐप अप्रूव हो जाएगी और उस वीडियो में हम फिर अपनी ऐप का डेमो करेंगे। आपके पास ऑलरेडी
आपने होपफुली पुराने कोर्स के साथ तो उसको कंटिन्यू करते हुए ऐप बना ली होगी, एपीके आप ऑलरेडी बना चुके होंगे, आप खुद ऐप को टेस्ट कर चुके होंगे और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ ऑलरेडी अपनी बंडल्ड ऐप को शेयर कर चुके होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आराम से चिल करें, जरा रिलैक्स करें एक दो दिन, उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम न्यू कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, नई टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे और अपनी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।